हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के भिन्नों का एलसीएम निकालना बताऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये पार्ट तीन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अगर निकाला है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकलेगा, अगर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले बात हम लोग एलसीएम पे ही करेंगे क्योंकि एलसीएम पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 5 1 का एलसीएम, ठीक है, बटे 3 6 18 का एचसीएफ, ठीक है, इतना करेंगे। तो 2 और 5 1 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब 10 हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे। अब एचसीएम निकाल लेंगे 3 6 और 18। एच सी एफ निकालने के लिए क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छिंगे 18, ठीक है। अब इसमें जाएगा नहीं किसी का क्योंकि सभी में ही जाना चाहिए, तो हम लोगों के पास एच सी एफ आ गया 3, तो बटे 3, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एच सी एफ पूछा गया है, ठीक है, एच सी एफ पूछा गया है। तो जो भी पूछा जाता है उसका सबसे पहले वही निकालते हैं। तो 7 21 42 का एच सी एफ, ठीक है, बटे करेंगे 20 30 और 40 का एल सी एम, ठीक है। तो 7 21 42 का एच सी एफ निकालेंगे तो 42 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 21 42 का एच सी एफ निकालेंगे, 7 से देंगे हम लोग, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 छिंग 42, तो कितना हो गया, 7 ही आया एच सी एफ, क्योंकि अब इसमें पूरा पूरा किसी का जाएगा नहीं, ठीक है ना, किसी भी संख्या का। तो एच सी एफ निकालेंगे तो 7 आएगा, तो 7 हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर बटे करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे कितना हुआ, 20 30 और 40 का एल सी एम निकालेंगे। तो यहाँ पे 10 आ गया, 15 आ गया और 20 आ गया, ठीक है। फिर से हम लोग करेंगे, 2 5 आ गया, ठीक है, 15 को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। फिर 2 से देंगे, 5 गया, 15 और 2 5 10, ठीक है। 3 से दे लेंगे, 5 ऐसे ही लिखेंगे, 3 5 15 और 5 ऐसे ही लिखेंगे, 5 से देंगे, 1 1 1, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 8 आ गया ये, ठीक है, 8 3 24, ठीक है, 24 × 5 करेंगे, 24 × 5 करेंगे, 5 चौके 20 की 0 वहाँ से लगा, 2 5 2 10, 10 और 1 11 120 आ गया, ठीक है ना। तो इसका कितना हो गया एलसीएम, 120, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन और देख लेंगे जो दशमलव में है। तीसरा सवाल में क्या है कि दशमलव में है 12 24 0048 हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये दशमलव को हटाएंगे तो भिन्न में बदलेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, 12 बटे, ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो यानी कि 2 0 बढ़ जाएंगे क्योंकि 2 अंकों के बाद लगा हुआ है दशमलव। तो यहाँ पर कितना आ गया, 100, ठीक है। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, 24 बटे 1 2 3, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब इतना हो गया, अब इसमें क्या करेंगे कि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का एचसीएम निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें 12 के पहाड़े में क्या आ रहा, 12 दूनी 24, ठीक है, और 24 दूनी 48, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, मैक्सिमम नंबर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, 48 हो गया एलसीएम, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा अंक देखा जाता है एचसीएफ में, तो क्या है, 100, ठीक है। आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, यही आएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।